और आप देखेंगे आज एक नई मुहिम के साथ सरकारी भवन खंडर होते हुए बिल्डिंग पर मेरी एक खास रिपोर्ट हिना मनेरी के पास पहुंचा हूं। आप देखेंगे मेरे दाई तरफ बिल्कुल UJBNL या हेना में मनेरी भाली परियोजना जब चल रही थी तब की बनी हुई बिल्डिंग आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्डिंगों के वो हालात हैं कि दरवाजे भी शायद टूटे हुए हैं, खंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी इन बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं, देखते पूछ के वो कैसे रहते हैं। आप देखेंगे जबकि बिल्डिंग की बिल्कुल बुरी हालत है, टूटी पड़ी हुई है, कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं बिल्कुल पैथेटिक सिचुएशन बनी हुई है। और पूछ के देखते हैं कि क्या जो लोग यहाँ पर रहते हैं कौन लोग हैं, कौन इनको परमिशन दिया, किसको किराए देते हैं या फ्री रहते हैं, पूछ के देखते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सुशीला जी है। सुशीला जी, आप कब से यहाँ रहती हैं? मेरे को 15 साल हो गए 15 साल हो गए। क्या, जी। किसने दिया आपको ये बिल्डिंग? उस टाइम तो स्टोर बाबू रहता था, हम लोग राइट। जो है चौकीदार के यहाँ पे हम आप लोग किराए रहते वगैरह हैं, देते हैं यहाँ पर नहीं किसी को? देती हूँ। तो ये बिल्डिंग किसकी है वैसे, वैसे तो ये सरकारी है पर लेकिन किस विभाग की है? ये बिजली विभाग वालों की है। अच्छा, तो अभी आप जी देख रहे हैं बिल्कुल बिल्डिंग टूटी पड़ी है, और यदि बिल्डिंग टूट जाती है कई लोगों नुकसान हो जाता है, कई लोग दब जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है? अब दिक्कत होती तो गरीबी में इंसान कहाँ जा सकता चलिए, ये है। आपको जो जी बिल्डिंग दी गई थी, जी और भी लोग यहाँ पर, अभी कितने परिवार रहते हैं? परिवार तो यहाँ जो है कम से कम 10-12। 10-12 परिवार। जी कोई किराया नहीं, नहीं कोई कोई किराया पूछने नहीं आता, बिजली नहीं पानी सब है यहाँ पर? नहीं है नहीं है। तो आप नहीं है। बिना बिना बिजली पानी के रहते हैं? जी आपने कभी लिखा नहीं सरकार को, कभी किसी दो अफसर बार को? विधायक साहब को दिया कौन से इस विधायक, ये नहीं है गोपाल जी या गोपाल विजयपाल जी? गोपाल जी को। उनको भी दिया था आपने, विजयपाल जी जी जब थे तब हाँ भी दिया था, तब भी कोई दिया सुनवाई था, नहीं। कोई सुनवाई नहीं अभी हुई आप हम लोगों बिल्कुल की। टेम्पररी रहते हैं, जी खंडर बिल्डिंग में रहते हुए आप देखते हैं। यस, आपका क्या नाम है जी? हमारा हेमा देवी, हमने हेमा पास देव से जी, आप कब रहने से रहती हैं जी यहाँ पर? काफी सालों से, शादी के बाद तो यहीं पे तो हम आप चार बिजली साल पानी क्या करते हैं, आप कुछ पानी कहाँ से भी लाते हैं? पानी, हम हेडपम्प लगा हुआ वहां से लाते हैं। राइट। और यहाँ पे बिजली हमारे का, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं लेकिन कोई बिजली नहीं है, हम बिजली भी सिर्फ नहीं है, हम लाइट खरीदते हैं बाजार से ऐसे लाते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे में रहते क्या हैं। कभी आपने, यहाँ के जो नेतागण है वो कभी आते नहीं है, कभी आए हो? कभी नहीं, नहीं कोई नहीं आपका आता। वोट वोट वोटर कार्ड बना हुआ है? नहीं वोट उनका कार्ड नहीं तो है, आधार हमारा कार्ड कार्ड तो हमारा इनका है। है, बने हुए हैं कुछ लोगों के, नहीं वोट उनका देती हैं नहीं आप? है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ कोई ना वोट किस कार्ड से ग्राम पूछ सभा में जाता आते हैं है। आप? हीना ग्राम सभा में हेना आते हैं। हेना में। हेना तो जी प्रधान जी वगैरह जो आपको प्रधान वोट जी देते तो हैं, हमको वोट यूं भी तक नहीं दिए, तब हमारा मोहर तो लगा के आधार कार्ड बनाने के लिए बने हुए बच्चों के आपके लिए। वैसे आधार कार्ड जी बने हुए हमारे आपके। बने हुए हैं। चलिए चलिए, आप देखिए और कौन है यहाँ पर जो बताने वाला है। चलिए, आपका नाम क्या है? ललिता जी आपका कार्ड कुछ बना हुआ, राशन कार्ड, वोटर आईडी क्या बना हुआ? वो नहीं बना हुआ है, वोटर आईडी नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है। आधार कार्ड बना हुआ, कब बना हाँ था वो? वो हो गया 2-3 साल से, यहाँ कुछ पर बिजली पानी कुछ है नहीं, नहीं क्या है जी। कहना चाहते हैं आप सरकार से? अब क्या कहना चाहे, यही आपका चाहिए घर कहाँ बिजली पड़ता है वैसे? पानी घर नेपाल नेपाल। पड़ता नेपाल, है यहाँ कब से यहाँ रह रहे हैं आप? तो, बहुत साल हो गए। तो आप यहीं के हो गए? क्या हाँ आपका नाम है या रजिस्टरों में प्रधान जी के पास वोट दिया नहीं आपने? है नहीं प्रधान जी है का नहीं, वोट नहीं लेकिन दिए? नहीं आधार दिए कार्ड जो है यही है मेरे कार्ड बच्चों है। के। जी चलिए हाँ चलिए, देखते हैं आगे चल के, और बिल्डिंग की ओर आप सोच सकते हैं, कुछ लोगों का आधार कार्ड बने हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, ये लोग यहाँ पर रहते हैं सालों से, कईयों का यहाँ पर जन्म हुआ है, तो यहीं के नागरिक बन चुके हैं ये, लेकिन कोई नेतागण इनकी सुध नहीं ले रहा है। इनका कहना है न तो यहाँ पर बिजली है, बिजली बाहर से खरीदते हैं, और न ही यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है। कभी कभी इलेक्शन के दौरान नेता लोग आते हैं और इनकी सुध लेके चले जाते हैं। देखते हैं आगे बिल्डिंग के और आगे जो खंडर हालत है उसको चलते हैं, और ले चलते हैं आपको। देखिए मेरे राइट साइड में बिल्कुल दरवाजा नहीं है, ये देखिए यहाँ की हालत। ऐसे तमाम कम से कम 20 से ज्यादा कमरे देखने को मिल रहे हैं। आप अंदर देखिए, बिल्कुल कोई दरवाजा नहीं है, और ये लोग यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं अपर साइड में बिल्कुल तमाम यहाँ पर इतनी खंडर हालत है बिल्डिंग की, कि यदि बिल्डिंग गिर जाती है बिल्कुल डैमेज हालत में है। आप सोच सकते हैं कि ये डेंजर जोन एरिया है, कितने लोगों का यहाँ पर हताहत होंगे, कितने लोग घायल होंगे, और शायद यदि कुछ लोग इंसिडेंट घट जाती है कौन देगा इसका जवाब, कौन है इसके जिम्मेदार? यदि कुछ घटना घट जाती है, भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कौन लेगा इसकी सुध? किस डिपार्टमेंट का है ये? क्या जल निगम है कि बिल्डिंगें हैं, तो जल निगम इसकी सुध क्यों नहीं ले रहा है? सरकार जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि मानवता के नाते नेतागण हो,
ये क्षेत्रीय नेता हो या प्रशासन हो, क्या वो यहाँ पर इन लोगों को पूछते क्यों नहीं? कौन लोग हैं? मानवता के नाते इनको बिजली दी जा सकती है, पानी की व्यवस्था की जा सकती है, बिल्कुल खंडहर हालत में, और जिस दिन ये बिल्डिंग कोलैप्स होंगी कितने लोग यहाँ पर आएंगे? कौन देगा इसका जवाब? कौन है इसका दोषी? कब होगी इनकी पहचान? सही ढंग से इन लोगों का कहना है कि इनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, पहचान पत्र भी बना हुआ है, इलेक्शन कुछ लोग वोट भी देते हैं, फिर भी इनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही? और कब होगी इनकी समस्या का समाधान? उम्मीद करेंगे कि हमारा जनता जगेगी और इस ओर कुछ समाधान निकलेगा। यशपाल बिस्ट कैमरामैन के साथ महेश बोगुणा, ABSLM न्यूज ग्रुप के लिए, उत्तरकाशी मनेरी भटवाड़ी ब्लॉक से, उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा।